फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं ग्रेवी चिकन। इसके लिए हमें चाहिए चिकन जो हमने धो लिया है, ये लगभग 3 केजी है। इसके अलावा हमें चाहिए मसाला जिसमें हमने प्याज, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्च ये सब इकट्ठा पीस लिया है। प्याज लगभग 1 किलो है, तो उसी हिसाब से आप ले लीजिए जैसा मसाला आपको रखना हो। और इसके अलावा हमें खड़े गर्म मसाले चाहिए, तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, डोडा, इलायची, और साथ में हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हो गया, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, और जो चिकन हमने धो के रखा है उसको भी डाल देंगे। इन्हें हमें तल लेना है खूब अच्छे से जब तक इनका पानी सूख नहीं जाता है। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। ये चिकन फ्राई हो रहा है, जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम इधर मसाला तैयार करते हैं। ये तेल में हम थोड़ी शक्कर डालेंगे और साथ ही हम इसमें गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसाले अच्छे से हो जाए उसके बाद हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया है उसको डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये चिकन हम फ्राई कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इसको चला देंगे। जब तक इसका पूरा पानी नहीं सूख जाता है तब तक हमें इसे इसी तरह पका लेना है। चिकन फ्राई हो चुका है, अब हमने इसकी गैस बंद कर दी है और ये इस तरह से सूखा हुआ हो जाना चाहिए। जब मसाला भून के तैयार हो जाएगा तब हम इसे मसाले में डालेंगे। ये मसाला हो रहा है, इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ये, और साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब हम इसमें नमक भी डाल के इसको थोड़ा और चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे। ये मसाला हो गया, अब हम इसमें जो चिकन फ्राई किया था उसको डाल देंगे और इसको इस तरह से और भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो इस तरह इसको भून लेना है और अच्छी तरह से भून जाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से रखना है आपको, जितनी गाढ़ी या वैसी रखनी हो आपको पतली, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए और इसको हम ढककर कुछ देर के लिए पका लेंगे। चिकन बर्गर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको बना सकते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।